प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम। जैसा कि आपको अभी बताया गया, हम लोग समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं और हमने पिछले सप्ताह छठी गाथा का स्वाध्याय किया था, जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन बताया गया। कहा गया कि नवि होजी अपमत्तो न पमत्तो जान दो जान को दूजो भावो एवं भणन्ते शुद्धम नावो जोसो ऊसो चेव। नवि होजी अपमत्तो, मतलब जो आत्मा है वह अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त भी नहीं, मतलब कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त नहीं है। विनायक ऐसा भाव ही है, शुद्ध ज्ञानी ने ये कहा है। और जो ज्ञात है वह तो है ही, वही है। तो इस प्रकार छठी गाथा में हमें आत्मा के स्वरूप का, स्वभाव का लक्षण यहाँ हमें बताया गया। और हमने देखा था कि निश्चय नय के दृष्टि से जो आत्मा है वह स्वतः सिद्ध पणा को प्राप्त करके अनादि अनंत नित्य उद्योत विशुद्ध ज्योति ऐसा विनायक स्वभाव वाला एक भाव स्वरूप या आत्मा है। और जैसा कि अभी बताया गया कि ये जो स्वरूप है हमें अलग अलग दृष्टांत के द्वारा पिछले स्वाध्याय में हमने देखा, और उसमें यह भी देखा कि जो हम ये जान रहे हैं वह उसमें जो संसारी अवस्था में अनादि बंध पर्याय के निरूपण से, दृष्टि से क्षीर नीरवत कर्म पुद्गलों के साथ एकत्व में भी, और द्रव्य स्वभाव निरूपण की दृष्टि से दुरंत कषाय चक्र के उदय के वैचित्र्य के वशवर्ती जो पुण्य पाप सर्जक वैश्वरूप्य उपात होने के कारण शुभाशुभ भाव के स्वभाव में अपरिणमन के कारण वह प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है। तो इसको हमने बहुत विस्तार से पिछले स्वाध्याय में विचार किया था। आज हम कुछ और आगे स्वाध्याय करेंगे। इसमें कुंदकुंदाचार्य जी और विशेष आगे बताते हैं कि व्यवहारेण उवदिस्सई नाणिस्स चरित्तम दंशनम नाणम नवि नाणम न चरित्तम न दंशनम जानगो शुद्धो। मतलब कि ज्ञान दर्शन और चारित्र से अशुद्ध पना है, फिर भी यहाँ जो बात कही गई है कि ये सारी बात जो कही गई है वो व्यवहार से ही कही गई है। निश्चय से तो वह नायक शुद्ध, मतलब जानवो शुद्धो वह आत्मा आत्मा है, वही उसका मूल स्वभाव जो शुद्ध नायक भाव ही है, नायक भाव से ही शुद्ध आत्मा है। अब बंध के कारण तो अशुद्धता कहना दूर की बात है। प्रश्न जो यहाँ खड़ा किया है वह, और उसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद गाथा के अर्थ को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे।
ज्ञान दर्शन और चारित्र, इसके द्वारा हम आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी यहाँ कहा गया कि ये सारी बात तो व्यवहार से कही गई है। वास्तव में देखा जाए तो केवल नायक ही है आत्मा, आत्मा का स्वभाव केवल जानना ही है। तो वो कैसे और किस तरह से उसको समझा जाए, और उसको समझने से ही हमें जो नायक स्वभाव, आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसका परिचय होता है। हमारे वहाँ द्रव्य और पर्याय, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, दो दृष्टि से पदार्थ का चिंतन किया जाता है। यहाँ हम पहले द्रव्य दृष्टि से चर्चा करेंगे। तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी पदार्थ अशुद्ध नहीं है, मतलब सभी पदार्थ शुद्ध है। बंध जब होता है तो बंध के कारण उसमें अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां देखी जाती है। बंध का मतलब क्या है कि दो पदार्थों का मिलना, दो पदार्थ जब टूटते हैं तब वो बंध माना गया है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो वो उसका स्वरूप क्या बनता है उस पर चिंतन करना है। जैसे दो परमाणु हैं, तो दो परमाणु मिलते हैं तो परमाणु की स्थिति क्या होती है, उसका चिंतन करना आवश्यक है। उसी तरह जब आत्मा और कर्म पुद्गलों का संयोग होता है, बंद होता है, तो क्या स्थिति होती है, उसको उसका चिंतन करने से हमें जो ये ज्ञान दर्शन और चारित्र युक्त जो आत्मा है उसको समझने की जो आगे बात कही थी उसका यहाँ विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। तो पहले जब दो पदार्थ का संयोग होता है, मिलन होता है, बंध कहते हैं उसको। तो बंध दो पदार्थों का जब होता है तो दोनों मिलकर के क्या स्थिति बनती है, दोनों मिलकर के वो अभिन्न हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं या भिन्न रहते हैं, या उसमें क्या परिवर्तन आता है। जैसे जीव और कर्म पुद्गल का संयोग हुआ तो क्या स्थिति बनती है, उसका चिंतन करना आवश्यक है। तो दोनों पदार्थ मिल करके, यहाँ पहले परमाणु का चिंतन करेंगे कि दो परमाणु हैं, जब दो परमाणु मिल जाते हैं, जुड़ते हैं, तो उस समय उसका मिलन को द्वयन कहते हैं, मतलब दो अणुओं का मिलन हुआ है, दो परमाणु जुड़ गए। वहां एक परमाणु नहीं कहा है लेकिन द्वयणु कहा है। जब द्वयणु बनता है तो वहां जो दो परमाणु का सामान्य परिणमन होता है, वो सामान्य परिणमन को छोड़कर वो विजातीय अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जब विजातीय परमाणु को प्राप्त करते हैं तो एक दूसरे का परिणाम, एक दूसरे का प्रभाव उनके परिणाम पर पड़ता है। उसी तरह जब जीव और कर्म का संयोग होता है तो जीव और कर्म के संयोग के कारण दोनों के जो परिणाम है उस परिणाम में अंतर पड़ जाएगा। तो दो परमाणु जब जुड़ते हैं तो दोनों परमाणु को, जुड़े हुए दो परमाणुओं को द्वयणु कहते हैं, लेकिन एक संबंध माना है, संयोग संबंध है, एक तादात्म्य संबंध है। तो तादात्म्य संबंध में दोनों मिलकर के एक दूसरे स्वरूप के बन जाते हैं, मतलब कि एक ही स्वरूप बन जाता है। परंतु यहाँ द्वयणुक में वैसा नहीं है, तादात्म्य संबंध नहीं है, दोनों जुड़े हुए, तो जुड़ने के कारण उनके जो गुण है, रूप रस गंध स्पर्श, उसके परिणाम में विशेष रूप
में परिणमन होने लगता है, मतलब कि उसके परिणमन में भेद आने लगता है, दोनों के परिणमन में, दोनों परमाणुओं के परिणमन में भेद आएगा। तो दो परमाणुओं के जुड़ने से जैसे परिणमन में भिन्नता आई, उसी तरह से जीव और भूतगल का जब बंध होता है तो उसी प्रकार का यहाँ भेद नहीं है उसमें, और जो उनका अपना अपना परिणमन है वो छोड़ करके भिन्न भिन्न रूप से परिणमन प्राप्त करने लगते हैं। तो ये क्या भिन्नता हुई उसका चिंतन आवश्यक है। जीव है वो जीव रागादि भावों का परिणमन प्राप्त करके, मतलब जीव का जो रागादि भाव है उसका परिणमन को प्राप्त करके जो पुद्गल है वो ज्ञानावरणीय आदि परिणमन को प्राप्त हो जाते हैं। तो जीव का जो रागादि भावों का परिणमन है उसके कारण पुद्गल का जो परिणमन है वो ज्ञानावरणीय आदि रूप में परिवर्तित होकर के वो परमाणु, मतलब पुद्गल जीव के ज्ञानावरणीय आदि का आवरण में परिणमन करने लगता है। और जो जीव है वो मोहादि कर्मों के उदय को प्राप्त करके रागादि भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये परिणमन में परिवर्तन आया। और आगे चल करके हमें और भी चिंतन करना होगा कि कोई भी पदार्थ है उसमें कितने गुण हैं, कैसे गुण हैं। जैसे हम लोग परमाणु के लिए कहते हैं कि उसमें रूप रस गंध स्पर्श है, ये उनके गुण हैं, तो वो गुण को ही यहाँ लेना है या अन्य गुण भी हैं। तो द्रव्य में तो जैन धर्म के अनुसार जो सर्वज्ञ कथित वाणी है, या आगे भी कहा कि श्रुत केवली के द्वारा जो कहा गया है उसी का मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। तो श्रुत केवली ने या सर्वज्ञ भगवंतों ने जो कहा है वो यही कहा है कि द्रव्य में अनंत अनंत अग्रु लघु आदि गुण हैं उसमें। जब अनंत अनंत गुण हैं उसमें अगुरु लघु आदि, तो भी पदार्थ को हम एक पदार्थ के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं। वह जो एकत्व का व्यवहार हमने माना है वो एक सत्ता के कारण माना है, मतलब कि गुण की सत्ता अलग है और द्रव्य की सत्ता अलग है, ऐसा नहीं है। द्रव्य में ही गुण रहते हैं, तो सत्ता एक है उसको लेकर के एकत्व का व्यवहार होता है। उसी तरह आत्मा के भी गुण अनंत हैं, अनंत गुण है आत्मा में भी। गुणों का जो अनंत है उसके आधार पर यहाँ बात हमें समझने की यह है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है, तो वो स्वरूप से भिन्न भिन्न है किंतु उनकी सत्ता आत्मा से भिन्न नहीं है, और सत्ता की अभिन्नता के कारण उसमें एकत्व का व्यवहार किया जाता है। तो अभेद दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मतलब कि एकत्व दृष्टि यानी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का केवल एक ही स्वभाव है, मात्र विनायक स्वभाव, और उस विनायक स्वभाव को हमें समझना है। किंतु ये जो शिष्य अपटु शिष्य यानी जो अत्यंत ज्ञानी नहीं है, ऐसे शिष्य को और समझाने के लिए ये बात कही गई है कि भाई व्यवहार में के द्वारा हम उसको आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है ऐसा हम कहते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो केवल विनायक स्वभाव, विनायक ही आत्मा का एकमात्र गुण है। अब उसको थोड़ा विस्तार से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा का जो स्वरूप है वह
कैसा है, किस तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ हमें दो बातों पर ध्यान करना होगा, एक है द्रव्य और दूसरा गुण। द्रव्य और गुण का जो अनन्यत्व है, मतलब अभी अभिन्नत्व है, अविभक्त उसका स्वभाव है, वो किस कैसे अविभक्त है, क्योंकि उसके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं है। मतलब कि द्रव्य का प्रदेश भिन्न है और गुण का प्रदेश भिन्न है, ऐसा नहीं। जहाँ द्रव्य है वही गुण है, और जहाँ गुण है वही द्रव्य है, तो प्रदेश भेद नहीं है और क्षेत्रांतर नहीं है, मतलब उसका क्षेत्र भिन्न नहीं है। प्रदेश कहो क्षेत्र कहो, दोनों एक ही बात है। तो प्रदेश भिन्न नहीं है, और अन्य शब्दों से कहें कि उनका क्षेत्र भिन्न नहीं है, तो द्रव्य का नाश होने से, मान लो कि प्रदेश एक ही है, उनकी सत्ता एक ही में है, तो जब एक का नाश होगा तो दूसरे का नाश हो ही जाएगा। मतलब कि द्रव्य का नाश होगा तो गुण का नाश होगा, और गुण का नाश होगा तो द्रव्य का नाश होगा। हाँ, ऐसा दोनों का ऐक्य भाव है, और उस ऐक्य भाव होते हुए भी द्रव्य और गुण का भेद कहते हैं, वो केवल कहने के लिए, व्यवहार की दृष्टि से वस्तुतः ऐसा नहीं है, और इसी बात को यहाँ अलग ढंग से कहा कि व्यवहारेण उवदिश्यै, मतलब व्यवहार से ही ज्ञानी का दर्शन, ज्ञान और चारित्र का उपदेश किया जाता है, किंतु उसमें ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, केवल नायक शुद्ध है। आत्मा कैसा है? नायक शुद्ध, केवल जानने का स्वभाव, जानना ही उसका शुद्ध स्वभाव है। तो यहाँ जो ये बात कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों ऐसा कहा गया, उसको समझने की आवश्यकता है कि बंध प्रत्यय से नायक का अशुद्ध अशुद्धत्व तो हम मान सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात है। मतलब बंध प्रत्यय यानी कि जो कर्म पुद्गलों के बंध के कारण जो आत्मा में अशुद्ध पना उत्पन्न होता है, वो अभी उसकी बात तो दूर की है, लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र जो आत्मा का हम कहते हैं, वो भी है नहीं, उससे अलग बात है। तो क्या बात है, नायक ऐसे शुद्ध आत्मा की बात जब करते हैं, तब कोई ऐसे प्रश्न, ऐसा प्रश्न खड़ा कर सकता है। यहाँ कहा कि जानको शुद्धो, मतलब आत्मा केवल नायक ही है, तो फिर आपने ऐसा जो कहा था कि, या कोई ऐसा कहता है कि दर्शन ज्ञान चारित्रवंत आत्मा है, ऐसा कहा जाता है, मतलब आत्मा ज्ञान दर्शनवंत है, चारित्रवंत है, ज्ञानवंत है, तो विनायक का जो यहाँ भेद पड़ा, अशुद्धत्व पना दिखाई देता है, तो एक अद्वैत नायक भाव आप जो कह रहे हैं, वो तो ज्ञान दर्शन चारित्र एंड इसी तरह अनेक भाव पना उसका मानना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि आत्मा एक जाना को नायक है, शुद्ध है, वही शुद्ध है जो नायक स्वभाव है वही। फिर आप ये कहते हैं कि भाई आत्मा है ज्ञान दर्शन चारित्रवंत है, जब ज्ञान दर्शन चारित्रवंत कहते हैं तो अनेकत्व आ गया, अनेकपना आ गया, अनेकपना मानने पर उसमें अशुद्धत्व आ गया, द्वैतपना आ गया, और द्वैत आना वही उसका अशुद्धत्व का सूचक है।
तो वो कैसे उसके उसका समाधान क्या होगा? तो उसका समाधान करने के लिए ही यह गाथा हमें देखना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि आस्ताम तावत बंद प्रत्यया ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। कि बंध प्रत्यय से, यानी कि बंध के कारण विनायक का अशुद्ध पने की बात तो बहुत दूर की है, किंतु दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वही विद्यमान नहीं है, विद्यमान है ही नहीं। अर्थात बंध प्रत्यय के द्वारा जो विनायक का अशुद्धत्व मानना कुछ हद तक ठीक है, किंतु यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र ही नहीं है, विनायक भाव रूप आत्मा से स्वतंत्र अलग अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर एक और प्रश्न उठेगा कि भाई फिर आप तो कहा करते थे कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के गुण है, उसी से आत्मा को जानना चाहिए। तो यहाँ उसका जवाब दिया कि व्यवहारेण उवदिस्सहि, व्यवहार के कारण, व्यवहार से ही ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र ये उपदेश दिया जाता है। मतलब कि स्वभावतः ये शुद्ध ज्ञायक स्वभाव ही उसका है, तथापि हम लोग जो यहाँ व्यवहार से ये बात कह रहे हैं, परमार्थ से, तो द्रव्य कैसा है, नायक स्वभाव वाला ही है, उसमें भिन्नता नहीं है। तो ये बात यहाँ और स्पष्ट करते कहते हैं कि तद अवबोधाय अवबोध विधायी भी कैश्चित धर्मे स्तम अनुशासताम सुरीणाम धर्म धर्मिणाम स्वभाव तो अभेदेपि व्यपदेश तो भेदम उत्पाद्य है। मतलब कि स्वभावतः तो अभेद है, धर्म धर्मी का अभेद है, फिर भी व्यपदेश तो व्यवहार से वेद का उत्पादन करके, वेद को मान करके यहाँ ज्ञानी दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा, ज्ञानी का दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा उपदेश दिया जाता है, परमार्थ तत्व तो एक ही है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि व्यवहार दृष्टि से ही यह बात कही गई है, निश्चय से तो आत्मा का नायक स्वभाव ही है, और नायक स्वभाव को छोड़कर और कुछ भी नहीं। और इसको समझाने के लिए आठवीं गाथा में जो बात कही है उसको थोड़ा यहाँ हम देखते हैं, जिससे ये बात और स्पष्ट होगी। जह नवि सक्तम अणजो अणज भाषम वीणा उ गाहे उम कह व्यवहारेण वीणा परमत परम थु वै वै शरणम असक्तम। तो यहाँ कहते हैं कि जो अनार्य भाषा है, म्लेच्छ कहते हैं यहाँ उसका, एक शब्द है म्लेच्छ। तो म्लेच्छ मतलब जो अनार्य है, जो आर्य भाषा नहीं जानता है, उस अनार्य को समझाने के लिए हमें अनार्य भाषा का ही उपयोग करना पड़ता है। मतलब कि जह नवि सक्तम आज जो अनार्य, अनार्य यानी म्लेच्छ, उसको अणज भाषम बिना न गाहे हूं, मतलब अनार्य की भाषा के बिना उसको समझाया नहीं जाता है, उसको समझाना अशक्य है। उसी तरह व्यवहारेण बिना, मतलब व्यवहार की भाषा का उपयोग किए बिना परमार्थ का उपदेश
अशक्य ही है। बहुत ही उत्तम कोटि का यहाँ दृष्टांत दिया है कि जब हम लोग आत्मा की बात करते हैं लेकिन आत्मा का स्वरूप जानते नहीं है, आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसको समझाने के लिए यहाँ कुछ भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ कहा कि भाई कोई आदमी, कोई व्यक्ति अनार्य प्रदेश में पहुंच गया। दृष्टांत यहाँ दिया गया है कि कोई एक ब्राह्मण पंडित अनार्य देश में गया, वहां के लोगों ने उसके स्वरूप को देख करके उनको नमस्कार किया कि भाई ये वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है। तो उन्होंने ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद के रूप में ये कहा कि तुभ्यं स्वस्ति, मतलब ये शब्द उनको आशीर्वाद के रूप में उच्चरित किए। तब वो जो अनार्य लोग थे, वो अनार्य लोग उसको समझते नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा अलग है और ये ब्राह्मण की भाषा अलग है, दोनों की भाषा भिन्न है। ब्राह्मण भाषा को वो अनार्य लोग समझ नहीं रहे, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ उनके समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ शिष्य आत्मा क्या है उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है और गुरु उनको आत्मा के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं, तो शिष्य उसको सुन करके क्या अर्थ लेगा, क्या बात करेगा, उसको समझाने के लिए यहाँ दृष्टांत लिया है कि यथा खलु म्लेच्छः, जिस प्रकार अनार्य भूमि में रहे हुए म्लेच्छ जिनकी भाषा भिन्न है उसको स्वस्ति इति इत्यम इहि ते सति तथा विद वाच्य वाचक संबंधावबोध बहिष्कृतत्वान, मतलब वहां वाच्यवाचक भाव का संबंध उनको पता नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, इसके कहने का मतलब क्या है। तो वाच्यवाचक संबंध का ज्ञान नहीं होने के कारण वो कुछ समझते नहीं है। वाक्य तो बोला है कि तुभ्यं स्वस्ति, उसका अर्थ होता है कि आपका कल्याण हो, लेकिन वो भाषा उनको समझ में नहीं आती है। तो नहीं समझ में आने के कारण वो अनिमेष, मतलब कि आंख को नीचे बिना ही, आंख को पटपटाए बिना, उन्मेष उन्मेषित नयन से, मतलब खुली हुई आंखों से, आश्चर्यजनक दृष्टि से वो उनको देखता रहेगा, ताकता रहेगा। वो म्लेच्छ या अनार्य जो है वो भाषा को नहीं समझने से उनके सामने देखता रहेगा। तब वहां का कोई इंटरप्रेटर होगा या जो दुभाषिया है, वो दुभाषिया जिनको स्वस्ति तुभ्यम या तुभ्यम स्वस्ति भाषा का भी अर्थ पता है और वो अनार्य की भाषा को भी जानता है, तो उस समय वो उनको कहेंगे कि भाई इसका अर्थ तो ये होता है कि आपका कल्याण हो। तो ये ब्राह्मण ने जो आशीर्वचन दिया है, वो आशीर्वचन का अर्थ यह है, तो आपका कल्याण हो, आप मतलब सुखी हो, इस प्रकार का जब उनको समझाया जाता है तो वो म्लेच्छ अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब पता चल गया कि हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे कल्याण की भावना वो बता रहे कि हमारा कल्याण हो, ऐसा वो कह रहे हैं, तो आनंद आता है और आनंद से उनकी आंखों में से अश्रु निकलने लगते हैं और खुश हो जाता है और समझने लगता है कि भाई हमको तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया है। तो इसी तरह यहाँ जब आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है तब आत्मा का यथावस्थित स्वरूप को नहीं जानने वाला जो शिष्य है, जिज्ञासु है, उनको आत्मा का यथावस्थित स्वरूप का पता नहीं, तो उसके कारण वो गुरु के सामने देखता रहेगा, ताकता
ताकता रहेगा, अनिमेष नयन से वो देखता रहेगा। किंतु जब व्यवहार परमार्थ में सम्यक बोध उनको होने लगेगा, तब उनको पता चलेगा, तब उनको व्यवहार मार्ग से ही परमार्थ का अर्थ समझाना पड़ेगा। मतलब उनको आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए व्यवहार मार्ग का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ कहा कि जहवी नवी सकम अणवज्जो अणज्जो अणज्ज भाषम विना उगाहि तह व्यवहारे न विना। मतलब व्यवहार नहीं के का आश्रय लिए बिना, परमार्थ से उसका कथन करना, परमार्थ का उपदेश देना वो अशक्य है। इसलिए व्यवहार का यहाँ प्रयोग किया जाता है। व्यवहार का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, उसका यहाँ समाधान किया कि हम जब यहाँ व्यवहार का प्रयोग करते हैं तो व्यवहार का प्रयोग सकारण कर रहे हैं। उसका एक कारण है कि जिस तरह से अनार्य लोग को स्वस्ति तुभ्यम ऐसा कहने पर उनको समझ में नहीं आता है तो वो चिंतन करने लगता है कि क्या कहा। इसी तरह जिज्ञासु को, शिष्य को आत्मा के स्वरूप का बोध नहीं है। बोध नहीं होने के कारण व्यवहार की भाषा का, व्यवहार मार्ग का, व्यवहार पथ का आश्रय लेना पड़ता है। और वो व्यवहार आश्रय क्या है, तो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र। तो जो परिणत होता है, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का परिणमन जिसमें होता है, वह आत्मा है, ऐसा समझाया जाता है। तब उसको जब ये समझ में आने लगता है, तब वो एकदम खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और जिस तरह से म्लेच्छ के आंखों में से आंसू बहने लगते, हर्ष के आंसू बहने लगते, उसी तरह यहाँ शिष्य के आंख में से हर्ष के आंसू बहने लगते हैं। अब ज्ञानी के द्वारा जो बात परमार्थ की बात है, उसको समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेना आवश्यक क्यों है, उसका यहाँ दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। कुछ और भी दृष्टांत हम यहाँ ले सकते हैं कि भाई आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ऐसा प्रयोग क्यों किया गया। तो व्यवहार में भी हमने देखा है कि जब बच्ची छोटी होती है तो उसको वो चिकनी मिट्टी होती है, वो दे करके उससे वो रोटी बनाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी तो वो प्रैक्टिस कराई जाती है। मिट्टी देकर उसको हंडी बना करके उसमें पत्थर डाल करके दाल पकाने की और वैसी प्रकार की चेष्टा कराई जाती है। वो भी कोई अर्थ का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्ची बड़ी होने लगती है, तब उनका वो अभ्यास उनके लिए काम में आता है। दूसरा एक दृष्टांत यहाँ दिया गया है चिंतकों ने, वह यह है कि जैसे कोई युवान सैन्य में भर्ती होता है तो उस समय उनकी परीक्षा ली जाती है या उनको प्रैक्टिस कराई जाती है बाण चलाने की, निशान ताकने की, या मतलब जब वो उसके हाथ में बंदूक आदि दी जाती है तो किस तरह से निशान को ध्यान में रखते हुए वहाँ गोली बार करनी चाहिए, वो सिखाया जाता है। तो वहाँ गोली चलाते वक्त सामने जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य पर गोली लगे ऐसा अभ्यास कराया जाता है, ना कि उसका कोई मतलब नहीं। फिर भी जब युद्ध होता है तो ये अभ्यास उनके लिए काम का बन जाता है। उसी तरह और जब व्यवहार का आश्रय ले करके परमार्थ को समझाया जाता है, क्योंकि परमार्थ का बोध नहीं है, परमार्थ का बोध नहीं होने के कारण उनको समझाने के लिए पर
व्यवहार की भाषा, व्यवहार को ही हमें आधार लेना पड़ता है। एक और दृष्टांत दिया गया है, और वो दृष्टांत थोड़ा और भी मार्मिक दृष्टांत है, कि एक जिज्ञासु शिष्य गुरु के पास आता है और पूछता है कि आत्मा क्या है, हमें आत्मा का बोध कराइए, हम जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। तो गुरु ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, गंगा नदी के किनारे में एक मगर रहता है, उस मगरमच्छ के पास जाओ और उनको पूछो, मैंने उनको आत्मा के बारे में बोध कराया है, वो आपको आत्मज्ञान कराएगा। तो शिष्य वहां नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे पर पहुंचता है और मगर को कहता है कि भाई हमें आत्मज्ञान कराएगा। तो मगर ने कहा कि भाई ऐसा करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप पानी ले आओ, पानी पी करके मैं आपको समझाऊंगा। तो शिष्य कहता है, जो जिज्ञासु शिष्य है वो कहता है कि भाई ये कैसी विचित्र स्थिति है कि पूरा जीवन आप पानी में रहते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि पानी पिलाओ, उसके बाद में आत्मा का उपदेश दूंगा। तो मगर कहता है कि यही तो बात है कि तुम आत्मा की जिज्ञासा लेकर आए हो, लेकिन जिज्ञासा कौन कर रहा है वो तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम यह प्रश्न पूछ रहे हो। यदि आपको ये पता होता कि जिज्ञासा करने वाला ही मैं हूं, तो आपको अपना स्वरूप स्पष्ट हो जाता। तो उसी तरह यहाँ श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में भी इस प्रकार का एक दृष्टांत दिया है कि घट पट आदि को तो तुम देखते हो इसलिए उनको मानते हो, लेकिन जो देखना देखने वाला है उसको तुम नहीं मानते हो, वही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आंख नहीं देखती है लेकिन देखने वाला तो कोई और है, क्योंकि आंख से देखा जाता है लेकिन देखने वाला कोई और है। जिस तरह से मृत शरीर में भी आंखें तो वही की वही होती है, लेकिन वहां देखने वाला नहीं रहा इसलिए उसको बोध नहीं होता है। तो यहाँ मगर का जो प्रश्न था कि मगर की जो बात थी कि भाई तुम जिसको प्यास लग जिसको ये प्रश्न हुआ है वो प्रश्नकर्ता कौन है वो उसको नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ये प्रश्न हुआ है। तो यहाँ तुमकुंदाचार्य जी ने एक अलग दृष्टांत दे करके हमें समझाया कि भाई म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरह जो परमार्थ को नहीं जानता है उनको समझाने के लिए व्यवहार का प्रयोग आवश्यक है, और व्यवहार के प्रयोग से ही हम आत्म तत्व को जान सकते हैं। तो ये बात यहाँ कही और उसको हमें यहाँ लेना है। ज्ञानी है वो ब्रह्म के स्थान पर है, मतलब ज्ञानी है वो जानते हैं, और ये इसका हम परमार्थ निकाल रहे हैं कि कुंदकुंदाचार्य जी यहाँ ज्ञानी और म्लेच्छ का जो दृष्टांत दिया है उसका मतलब क्या है। तो कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो ब्रह्मज्ञ है, आत्मा को जानने वाले हैं, और यह जगत है वो म्लेच्छ स्वरूप है, मतलब कि आत्मा के भाषा को आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, इसलिए वो जो ब्रह्मज्ञ ज्ञानी है उसके पास आता है। तो उसको समझाने के लिए ब्रह्मज्ञ ज्ञानी पुरुष है वो जैसा जैसा जिज्ञासु है, जिज्ञासु जिस भाषा को जानता है उसी भाषा के द्वारा उनको परमार्थ का बोध कराएंगे। तो परमार्थ का बोध कराने के लिए उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो उसी तरह यहाँ
जो संसार के लोग आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए ये तो इतना जानते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र है। ज्ञान दर्शन चारित्र से आत्मा को जानने का यहाँ मार्ग निकाला है, वो केवल व्यवहार की दृष्टि से निकाला गया है। तो द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा शुद्ध है और उसी को हमें यहाँ समझाया गया है। तो ज्ञान दर्शन चारित्राणि की आत्मा, आत्म पद का जो अभिधेय मतलब वाच्यार्थ प्रतिपाद्य समझाया है, वो केवल व्यवहार की दृष्टि से समझाया है और उसी के द्वारा शीघ्र मतलब बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। जैसे लेच्छ की भाषा में समझाया जाए तो उनको तुरंत ही समझ में आ जाता है, उसी तरह जिज्ञासु को ज्ञान दर्शन चारित्र का पता है तो उसके आधार पर आत्मा के स्वरूप को समझाना सरल हो जाता है। तो यहाँ ये कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये जो कहा है वह व्यवहार की दृष्टि से कहा है, न कि निश्चय की दृष्टि से। इसीलिए जो सातवीं गाथा में कहा कि नवीनाम न चरितम न दंशनम, मतलब निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो वह ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, वह केवल शुद्ध नायक स्वभाव ही है और नायक स्वभाव शुद्ध है, उसी को जानना चाहिए। तो यहाँ परमार्थ को जानने के लिए व्यवहार का उपयोग किया गया है और वह व्यवहार के उपयोग से बोध रूप महारथ हमें प्राप्त होता है, प्रस्थापित होता है और उसी का यहाँ आश्रय लिया है। व्यवहार पथम आस्थाय, मतलब कि जब व्यवहार मार्ग का आश्रय लेकर के परमार्थ का कथन, परमार्थ मार्ग को समझाया गया है, दर्शाया गया है, तो उससे तुरंत समझ में आ जाता है कि आत्मा क्या है। उद्यतम अमंद आनंद सुंदरम बंधुर बोध तरंग, जब ये पता चल जाता है व्यवहार के आधार पर, जब परमार्थ का बोध हो जाता है तो कैसी स्थिति हो जाती है? तो कहते हैं कि उद्यत आमंद मानंद मन, मतलब कि बहुत उच्च कोटि का, बहुत तीव्र स्वभाव वाला, अत्यंत आनंद, सुंदर आनंद का अनुभव होता है जब समझ में आ जाता है। तो जो प्रयोग यहाँ किया गया है, जिसका बात का कथन किया गया है, व्यवहार की अपेक्षा से किया है, निश्चय नैतिक दृष्टि से, क्या तो मारो वो शुद्ध ही है, वह नायक है। तो परमार्थ व्यवहार से जिसका परमार्थ हमें समझाया जाता है, वह आत्मज्ञानी की आज्ञा को धारण करके आत्मा अभी मारो पिक्चर क्या आ रही है? लक्ष्यगत होता है, उसको जाना जाता है और उसी के आधार पर अपने आनंद को आत्मा को समझना चाहिए। तो आत्मज्ञानी के द्वारा जो आत्मा के स्वरूप को समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है, वो लेच्छ के दृष्टांत से हमें समझना चाहिए। और अब आगे चलते हैं नौवीं गाथा में। तो जो शुद्ध से निश्चय रूप से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है, उसको लोक प्रदीप्त ऋषियों ने श्रुत केवली कहा है। देखिए, जो ही सुयेन अहि गच्छै अपानं इनं तु केवलं शुद्धं तं सुय केवली इसिनो भणन्ति लोय पैय वरा। तो कहते हैं कि
श्रुत से, जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत के द्वारा निश्चय करके केवल शुद्ध ऐसे आत्मा को जानते हैं, वो जान लेते हैं, वो उसको ही लोक को प्रदीपक कर, मतलब लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषि यानी कि श्रुत केवल कहा गया है। मतलब कि जो श्रुत के द्वारा निश्चय रूप से केवल शुद्ध ऐसे आत्मा को जानते हैं, उसको ही लोक प्रदीपकर ऋषियों ने श्रुत केवली कहा है। जो श्रुत ज्ञान सर्व को जानता है उसको जीव ने श्रुत केवली कहा है, क्योंकि ज्ञान सर्व आत्मा है और इसीलिए उसको श्रुत केवली कहा है। तो श्रुत केवली के शब्द का यहाँ अलग अलग ढंग से हमें उसका अर्थ समझाया है। जो श्रुत के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता वो श्रुत केवली है, और वह प्रथम परमार्थ है। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा इस तरह से केवल शुद्ध आत्मा को जान लेता है, तो जो ही सुयेन अहि गच्छई, जो श्रुत के द्वारा जानता है, अपानम इनम तु केवलम शुद्धम, अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा सर्व को जानता है वो श्रुत केवली है, ऐसा व्यवहार है। परमार्थ तो यही है कि जो केवल आत्मा को जानता है, शुद्ध आत्मा को जान लेता है, वो शुद्ध केवल है। तो यहाँ निश्चय नहीं और परमा व्यवहार नहीं से शुद्ध केवली के अर्थ की विवेचना की है कि शुद्ध केवली किसको कहा जाए। तो जो शुद्ध के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है, और जो शुद्ध ज्ञान सर्व को जानता है वो श्रुत केवली है, यह व्यवहार है। तो यहाँ हमें ये यह बात श्रुत केवली किसको कहते हैं उसको और यहाँ व्याख्या के द्वारा स्पष्ट किए। तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उसकी ज्ञान कैसे उसके अंदर आता है, या क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अनात्मा तो नहीं है। अनात्मा ऐसे समस्त चेतनेतर अचेतन, मतलब चेतन से भिन्न अचेतन पदार्थ पंचतय को, मतलब पंच पदार्थ को नाना ज्ञान अतादात्म्य की अनुपपत्ति और घटमानता है इसलिए, और गत्यंतर अभाव से, गत्यंतर के अभाव से ज्ञान आत्मा है ऐसा जो कहा गया है, अर्थात श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है और उसको जो जानता है वो श्रुत केवली है। उसका विवेचन हम और करेंगे, उसको और विस्तार से समझेंगे। केवल यहाँ इतना समझना है सामान्य रूप से कि श्रुत केवली शब्द के दो अर्थ, व्यवहार में की अपेक्षा और परमार्थ यानी निश्चय में की अपेक्षा से था कि श्रुत के द्वारा जो केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है, और जो ज्ञान सर्व को जानने वाला है वह व्यवहार की दृष्टि से श्रुत केवली है। उसकी चर्चा हम अगले स्वाध्याय में विस्तार से करेंगे। आज यहीं तक हम रखते हैं, अगले स्वाध्याय में श्रुत केवली का अर्थ करेंगे, क्योंकि जो आचार्य सूत्र में जो कहा गया है कि जे एकम जाने सो सब्बम जाने, जो सब्बम जाने सो एकम जाने, हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि जो एकम जाने, जिसने एक शुद्ध आत्मा को जान लिया है वो सर्व को जान लेता है,
मतलब कि एक को जानने से सबका, एक को संपूर्ण रूप से जान लेने से सबका संपूर्ण बोध होता है। जो सर्वम जाने एकम जाने, जो सर्व को जानता है वो एक को भी जानता है। तो ये जो आचरण सूत्र का कथन है उसको यहाँ कुंदकुंदाचार्य जी ने, मतलब वो वचन है उसको यहाँ श्रुत केवली की व्याख्या के द्वारा स्पष्ट किया है। केवल शुद्ध आत्मा को जो जान लेता है, केवल शुद्ध आत्मा मतलब केवल शुद्ध आत्म तत्व को जो जान लेता है वो श्रुत केवली है, और जो सर्वलोक को जानता है वो श्रुत केवली है, एक परमार्थ से, एक व्यापार की दृष्टि से। और उसका विस्तार अगले स्वाध्याय में हम करेंगे। दादा जैन ये जय। हैं।